अब तक नाराज हो मुझसे? अब भी यही समझते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं? काका साहब और वाहिनी के साथ खड़ा हूं? तुम मेरे छोटे किंतु नटखट भाई हो खंडेराव। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था ना, अपनी इस गोद में उठा लिया, ठीक उसी पल एक अटूट रिश्ता बन गया था मेरे और तुम्हारे बीच, जिसे ना तो कोई तोड़ सकता है, ना ही कमजोर कर सकता है, और ना ही मेरे जीवन में तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है। मैं तो बस काका जी की तरह इतना चाहता हूं कि तुम्हारे और अहिल्या के बीच में जो कड़वाहट, नहीं, बहुत बड़ा भारी शब्द है, तुम्हारे और वाहिनी के बीच में जो खटपट है वो खत्म हो जाए और तुम दोनों एक साथ मिलके हंसी खुशी अपना जीवन बिताओ। इसके अलावा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं। अगर अब भी तुम अपने दादा को समझते हो तो मेरी बात को जरूर समझोगे, किंतु मुझे माफ करना खंडेराव, काकी साहब के इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम क्यों इतना सोच रहे हो? क्यों इतने ग्रंथों को पलट रहे हो? परीक्षा तो वाहिनी की है ना? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि अगर वो परीक्षा में सफल हो गई तो खुद को तुमसे श्रेष्ठ साबित कर लेगी? मेरा भोला भाला नादान किंतु अड़ियल भाई ये नहीं जानता कि अनजाने में ही सही वो उसी राह पर चल पड़ा है जिस राह पर उसकी पत्नी अहिल्या जा रही है। तुम दोनों एक साथ पति पत्नी की तरह अच्छी तरह अपना जीवन एक दिशा में बिता लो। तुम भी यही चाहते हो और बाकी सब भी यही चाहते हैं। चलो अब ज्यादा नाराज मत रहो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं।